खबर रीवा जिले से है, जहां एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने जिले के महाविद्यालयों के प्राध्यापक व प्रोफेसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि 16 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें छात्रों को जाने का दबाव बनाया जा रहा है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दबाव पर उसके अनुवांशिक छात्र संगठन एबीवीपी को मजबूत करने की प्रक्रिया को छात्र हित व गुरुकुल की परंपरा के विपरीत है। जो प्रोफेसर प्राध्यापक कार्य से ज्यादा अपने निजी स्वार्थ के लिए भाजपा का बिल्ला जेब में लेकर छात्रों के बीच राजनीति कर रहे हैं, वह यह जानते हैं कि सुबह हुआ है तो शाम भी होगी। फिर भी जिस तरह से वर्तमान समय में जिले के सभी शासकीय महाविद्यालयों में आरएसएस के शाखा चल रहे हैं और प्रोफेसर प्राध्यापक एबीवीपी के लिए छात्रों पर दबाव बना रहे हैं, यह शायद इसके पूर्व कभी नहीं हुआ होगा। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने क्या कहा है। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। मुद्दा यह है कि जो सत्ता पक्ष का एबीवीपी संगठन है, वो लगातार कॉलेजों में प्रोफेसरों द्वारा दबाव बना रहा है। प्रोफेसर या टीचरों, जो भी प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय या विद्यालय महाविद्यालय में, जो भी 18 तारीख का उनका वही कार्यक्रम होना है छात्र सम्मेलन को लेकर एनसीसी ग्राउंड में, जिसमें क्या है, अभी मैं देखा हूँ वर्तमान में कि कॉलेज के प्रोफेसर बोल रहे हैं कि उस दिन आपको कॉलेज आना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपको कार्यक्रम में जाना है। ठीक है, तो हमारा आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से मेरा ये अनुरोध है कि जो ये प्रोफेसर और प्राध्यापक सत्ता के पक्ष में जाकर और छात्रों के ऊपर जबरदस्ती का दबाव बनाकर उनको एबीवीपी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, ये गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, आप भेदभाव मत करो, आपके लिए दोनों संगठन बराबर हैं। आप दोनों संगठन या कि अन्य कोई संगठन भी है तो आप बराबर का उनको समर्थन दो और बराबर उनको, क्योंकि आप राजनीति में मत शामिल हो ना। राजनीति जो नेतागिरी कर रहे हैं उनको आप करने दीजिए, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है कि आप पढ़ाइए, है ना। कॉलेज स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ पे आप सभी छात्रों को समान व्यवहार करके समान पढ़ाई करवाइए। आपका ये काम नहीं है कि आप किसी सत्ता पक्ष को समर्थन दें और उसके बाद आप बोलें कि आप कार्यक्रम में जाओ या कि आप सत्ता पक्ष को, इसलिए हम आपको ज़्यादा तवज्जो देंगे। आप दोनों संगठनों को बराबर का तवज्जो दीजिए और दोनों को समान व्यवहार करिए। पूरे में पोस्टर लगाए गए थे एबीवीपी के कि छात्र सम्मेलन होना है जिसमें आप सबको सम्मिलित होना है। छात्र सम्मेलन होना है, मैं कहना चाहता हूँ अगर छात्र सम्मेलन है तो जब एनएसयूआई झंडा लेके जाती है, अंदर, तो उसके बाद वहाँ क्या होता है कि एनएसयूआई को झंडा को क्या बोला जाता है कि आप अंदर लेके नहीं आ सकते कोई भी राजनीतिक पार्टी का झंडा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब एनएसयूआई का कोई पदाधिकारी अंदर आता है झंडा लेके या पोस्टर लगाता है तब आपको दिक्कत होती है, और एबीवीपी यही चीज करता है, पोस्टर लगाता है तब आपको दिक्कत नहीं होती। उसके बाद जब मैं प्रचार मैडम को, प्राध्यापक मैडम को ज्ञापन देता हूँ कि ये मैम गलत है, तो मैम का या सर का क्या होता है वहाँ पे कि जानकारी नहीं थी। आप कॉलेज के प्रचार हैं, प्राध्यापक हैं, आपके कॉलेज में कुछ हो जाता है, पोस्टर लग जाते हैं पूरे कॉलेज के क्लास के बाहर, आपको जानकारी नहीं होती है, ये कौन सी बात होती है। उसके बाद मेरा ये है कि अभी सरकार वर्तमान में भाजपा की है, ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार आती जाती रहती है, कल हो सकता है कमलनाथ जी की सरकार आ जाए, तब फिर क्या होगा, तब फिर वही होगा जो अभी वर्तमान में हुआ था, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा का मंदिर है उसको शिक्षा का मंदिर ही रहने दिया जाए और छात्रों के साथ भेदभाव करना बंद कर दें, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। मैं सभी महाविद्यालय के प्रचार एवं प्राध्यापकों को आगाह करना चाहता हूँ कि अगर जबरदस्ती छात्रों को मुद्दा बनाकर उनको कार्यक्रम में भेजा गया तो सही नहीं होगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य भी होगी, हो सकता है एडी ऑफिस का घेराव करना पड़े हमें, तो हम उसके लिए भी करेंगे। सबसे पहले ये आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे वो कॉलेज हो या विद्यालय, स्कूल हो, विद्यालय या महाविद्यालय, वहाँ लोग जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं विद्या प्राप्त करने, तो विद्या को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए, विद्या के पवित्र मंदिर को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। और दूसरी बात, जो प्रोफेसर सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आके
ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं। ये सब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही सिर्फ ये काम करवा सकते हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आज के बाद कल भी आता है, कल के बाद परसों भी आता है, और जो छात्र को डरा रहे हैं कि आप अगर हमारे कार्यक्रम में नहीं गए तो हम आपका रिजल्ट बिगड़वा देंगे या आपको हम प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे, तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधे मिला के, और जहाँ तक आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी NSUI लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ेगी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।